What the hell? किसने किया ये सब? मम्मी जी, क्या है ये सब? हाँ, क्या हाल बना दिया मेरे कमरे का? क्या क्या ढूंढ रही थी आप? चैन ढूंढ रहे हम हमारी चैन। हाय, कहना क्या चाहती हैं? चोरी का काम लगा रही है मुझको, मैं चोर हूँ? हाँ तो, अगर घर के कागज तुम्हारे बैग में मिल सकते हैं, तो चैन भी तो तुम्हारे कमरे में हो सकता है ना? देखो, जल्द से जल्द बताओ हमारी चैन कहाँ है, वरना हमारा हाथ उठ जाएगा तुम पे। खबरदार, तुम मुझे हाथ भी लगाया तो अब ऐसे मुझ पे इल्जाम नहीं लगा सकती। और लीगली मैं अभी भी आदि की पत्नी हूँ, तो मेरी प्राइवेसी का आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जाइए यहाँ से। नहीं जाएंगे हम। जाइए यहाँ से, नहीं करिए। आज के बाद कोशिश भी मत करना ऊपर आने की। मम्मी, नव्या क्या बदतमीजी है, पागल हो गया कि तुम? चिल्लाओ मत। क्या लगता है तुम्हें, मैं भोली भाली सीधी साधी बच्ची हूँ, तुम्हारे चिल्लाने से डर जाऊंगी? माय फुट, इस घर में किसी से नहीं डरती मैं। और आप आज के बाद अगर इस सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नव्या, अमीश से बात करो। रेनू मेरी पत्नी है, जितना हक मेरा इस घर पर है उतना ही इसका भी है। ये जहां चाहे वहां आ जा सकती है, समझी तुम? पापा जी, आपसे ना बहस करने का फायदा ही नहीं है, एक नंबर के ना झूठे इंसान है आप। आज जिन पे इतना प्यार बरसा रहे ना, कल इन्हीं के मुंह पे तमाचा भी मार सकते हैं। कर रही था। क्यों नहीं? अगर आपको याद हो तो कुछ ही दिन पहले बड़े प्यार से आपने मम्मी जी को घर से बाहर निकाला था, और आज इनके लिए आपके दिल में इतना प्यार उमड़ रहा है। आज आप इक्वल दर्जे की बात कर रहे हैं, ऑल दैट, यहाँ तक कि अब ये कह रहे हैं कि घर इनका है, जहाँ चाहे जा सकती है। प्लीज पापा जी, ये सब ना बातें बकवास है। यू नो वॉट, सबने मुझे इतना परेशान किया, इतना तंग किया, न जाने कैसे कैसे ताने मारे, फिर भी मैं आदि को छोड़ के नहीं गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि इक्वल का रिश्ता है। आप सब ने आदि को इतना मजबूर किया मुझसे डिवोर्स लेने के लिए, लेकिन फिर भी आदि ने मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं किया। क्योंकि आदि जेन्युइनली मेरी केयर करता है, आप सिर्फ दिखावा करते हैं, दैट्स इट। सिर्फ बातें बड़ी बड़ी आपकी। नव्या, मैं सिर्फ बातें नहीं करता, जो बोलता हूं वो करता भी हूं। अच्छा, तो फिर एक बात बताइए, अगर आप सच में इतने सच्चे हैं और मम्मी जी से एक सच में प्यार करते हैं, उनको इक्वल का दर्जा देते हैं, तो देन आई एम श्योर घर के पेपर्स में मम्मी जी का नाम तो होगा ना? देखना चाहती हूँ नाम उनका, दिखाइए। सिर्फ नाम से क्या होता है, जबान की भी कोई कीमत होती है नव्या। नहीं होती, नाम से ही सब कुछ होता है। और अगर आप मम्मी जी से सच में प्यार करते हैं, तो डरते किस बात से? डाल दीजिए मम्मी जी का नाम भी पेपर्स में। But you know what? अब ऐसा करेंगे नहीं, मैं जानती हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो नव्या? मम्मी जी वही जो सच है। अब आप ही बताइए, आज इन्होंने दुकान गिफ्ट में दे दी, कल ये घर दे देंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आपके तो नाम भी नहीं है पेपर्स में, आप तो कुछ कह भी नहीं पाएंगी। कहाँ रहेंगे हम, सड़क पे या किराए के घर में? नव्या, मैं सिर्फ खोखली बातें नहीं करता, कल ही मैं कोर्ट जाऊंगा और मकान के पेपर्स में रेनू का नाम ऐड करवाऊंगा। कल ही। We'll be right back.
दादी कैसे हुआ ये सब यार, तूने मुझे बताया भी नहीं। आई थिंक कोई तुझसे ना दुश्मनी निकाल रहा है दादी। कौन गौतम? जब मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है तो कोई मेरे साथ ऐसी दुश्मनी क्यों निकालेगा? देख यार ये तो मुझे पता नहीं, पर कोई तो है आदि। तूने ये सब बातें घर तो नहीं बताई? यार कैसे बता दूं यार, तू जानता है घर में क्या सिचुएशन चल रही, कैसी प्रॉब्लम चल रही, और उसमें ये सब। यार मैं समझ सकता हूँ यार, पर तू टेंशन मत ले, मैं पता लगाता हूँ ना। पर यार तू अलर्ट रही हो, क्योंकि ऐसे केसों में क्रिमिनल केस बन जाता है। समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे बताऊं मम्मी को, कैसे डिस्कस करूं नव्या के साथ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो मैंने साइन कर दी, लो तुम भी साइन कर दो। अरे लो साइन करो। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, एक औरत का असली धन उसकी असली पूंजी उसका पति होवे। वो सब तो ठीक है रेनू, लेकिन झगड़े में ही से बात तो नव्या ने बिल्कुल ठीक कही थी। आप नव्या की बात की वजह से जे मत कीजिए, वो तो आजकल कछु भी कह देती है। देखो मैं किसी के कहने पर कुछ नहीं कर रहा हूं, सच कहूं तो तुम्हारा नाम इन पेपर्स में ऐड करके मैं अपनी वो गलती सुधार रहा हूं जो पिछले 15 साल से करता आ रहा हूं। 15 साल की बातों को भूल जाइए, हमें आपके प्यार और विश्वास का कोई सबूत नहीं चाहिए। ठीक है तो तुम ये सोचो कि तुम ये अपने लिए नहीं मेरे लिए कर रही हो। करो साइन, जल्दी से साइन कर दो, तो मुझे ऐसा लगेगा कि शादी से पहले तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे झूठ बोला था कि तुम 12वीं पास हो। क्या तो तुम्हें साइन भी नहीं करने आ रहे मेरे सामने? करो करो। चलो अब मुझे अपनी एक फोटो दो। फोटो तो नहीं है हमारे पास। मतलब फोटो नहीं? अरे मतलब आज तक कभी जरूरत ही ना पड़ी तो हमने कभी फोटो ही ना खिंचाया। रेनू वो इतनी सी फोटो होती है पासपोर्ट। कोई बात नहीं, कल जाके खिंचवा आएंगे। अरे ऐसे कैसे, कल सुबह तो मुझे पेपर्स कोर्ट में जमा कराने, तो उस वक्त क्या करें। एक काम करते हैं, मैं तुम्हारी फोटो फोन में खींच लेता हूँ, कल जब कोर्ट पहुंचूंगा तो वहां पर प्रिंट निकलवा लूंगा और फोटो उसी वक्त इस पेपर पे चिपका दूंगा। हैं तिवारी जी, आप और फोन में फोटो ऐसे ही? तुम ही से सीख रहा हूं। तो यहां पे क्या बैठी हो, इधर आओ आओ आओ। चल
अरे इस फोटो से याद आया, आज तक तुम्हारी और मेरी फोटोग्राफ साथ नहीं है। एक सेल्फी खींचे। अरे क्या हुआ? खिंचवाया जा रहा है अम्मा जी। अरे घर के कागज में नाम पड़ रहे हैं उन लोगों के। क्या करेंगे आप अम्मा जी, कैसे बेचेंगे इस घर को आप? जब बोलेगी उल्टा ही बोलेगी। कभी तो अच्छी बात निकाल लिया कर मोते। दबा। दिल्ली के रास्ते चलने में और दिल्ली पहुंचने में बहुत है फर्क है इंदु। अभी सिर्फ फार्म भरो है, घर वाके नाम ना हो। कछु ज्यादा ही समय दे दियो हमने सास बहू की जोड़ी को। तो लगे बहू के साथ साथ सासू माँ को भी जो घर से निकालने को वक्त आ गया। इससे पहले कि लल्ला सब कुछ रेनू के नाम कर दे, कछु तिक्रम लगानी पड़ेगी। तो है मतलब हमने अभी वीरेनु को घर से बाहर जाते देखो। रेनु इस वक्त घर से बाहर क्यों जाएगी? जीजी आपने उसी को देखा है, किसी और को तो नहीं? अरे वही थी, हम तो अपने कमरे में सोए रहे थे, अचानक वाके फोन की आवाज से नींद खुल गई हमारी और हमने अपने कानन से भाई किसी से बात करते सुना। बड़ी मध्यम आवाज में कह रही थी, ना 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 तुम घर पे मत आओ, मैं तुमसे मिलने के लिए बाहर आती हूँ ना। तो यही सोच रही कि ऐसा कौन सा जरूरी काम है तो कि ना तो ये बतायो ना हमसे पूछो, अकेले ही चली गई। जी जी आप चिंता मत करो, आप अंदर जाकर सो जाओ, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। सो जाओ आप अंदर। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं धन्यवाद की कोनो बात नहीं है, बस काम ठीक से हो जाना चाहिए।
ताऊ जी मंदिर के जो पंडित जी हैं उनका छोटा भाई है। पंडित जी आईसीयू में हैं, पैसों की थोड़ी जरूरत थी इसलिए। अरे तो तुम्हें अकेले आने की क्या जरूरत, तुम्हें जगा देती। वो आपको पसंद आया ना हमारा ऐसे किसी पंडित को दान दक्षिणा देना, इसलिए हमने आपको जगाया नहीं। कमाल करती हो तुम भी रेनू। चलो चलो अंदर। ये लीजिए वकील साहब, मैंने फॉर्म भर दिया, चेक कर लीजिए एक बार। ठीक है, हो जाएगा। अच्छा, 5,000 रुपये दीजिए। हाँ ये लीजिए। हाँ लेकिन आपका काम होने में 3 दिन का समय लगेगा तिवारी जी। एंट्री तो मैंने कर दी है लेकिन सर्वर डाउन है तो सिस्टम में अपडेट नहीं हो पाएगा। लेकिन वकील साहब 3 दिन तो। तिवारी जी कोर्ट कचहरी का काम है, टाइम तो लगता ही है। और जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करूंगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। बाकी इसकी रसीद। रसीद की क्या जरूरत है तिवारी जी, मैसेज आएगा आपको। अच्छा ठीक, धन्यवाद। अरे प्रीति मेरा लैपटॉप लाना। आपका काम कर दिया है आलोक जी, हमने तिवारी जी को 3 दिन के लिए टरका दिया है हमने, अब बस आप हमारा काम जल्दी से कर दीजिए। अरे आलोक दुबे ने बोल दिया मतलब पैसे पहुंच गए यादव जी, बस ध्यान रहे कि वो फॉर्म ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होना चाहिए 3 दिन के बाद भी। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, घर तो आपको मेरे नाम पे करना पड़ेगा ससुर जी, और ये शुभ काम करेंगी आपकी लाडली जीजी, जिसके आप अंधभक्त। जय हो बुआ जी की। जी खुश कर दो आपने जो खबर सुनाए केदारनाथ जी, अब आगे को नाटक हम संभाल लेंगे। राधे राधे। जी जी हाँ जी जी मैंने पेपर जमा करा दिए। नहीं लेकिन घर आने में थोड़ी देर लगेगी, मैंने वृंदावन जाना है नया ऑर्डर देने के लिए। हाँ जे तो बहुत ही अच्छी बात बताई तने लल्ला, हम तो जे ही चाहे कि तो काम खूब बढ़े, तू दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, अब आके बिहारी की कृपा सदा तेरे परिवार पे बनी रहे। एक बात सुन, घर आते वक्त जरा अस्पताल होते आइयो, काहे कि पंडित जी से पूछ लियो कछु चीज की जरूरत तो ना है। जे पंडित लोगन को दान दक्षिणा देते रहना चाहिए, बरकत हो वह है। ठीक है जी जी ठीक है, मैं मिलता आऊंगा और दक्षिणा भी दे दूंगा। ठीक है मैं फोन रखता हूँ। राधे राधे। राधे राधे।